हेलो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। विद्युत आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? जब हम कोई वर्क करते हैं उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा जो कार्य करते हैं और कार्य करने में जो ऊर्जा संचित हो जाता है, जो ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? संचित स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये दो आवेश, एक Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R, मान लीजिए इन्फिनिटी से इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। हम उस पर फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या करना पड़ता है? कार्य होता है। तो कार्य जो करते हैं वो कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। और स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे से डिनोट करते हैं? U से। तो U बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? U बराबर W एक्सटर्नल, यानी बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी कि बिंदु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? U = W एक्सटर्नल। वही चीज लिखा हुआ है, बिंदु आवेशों को अनंत से एक निश्चित दूरी पर, यानी कि एक निश्चित दूरी पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य बिंदु आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। यहाँ पे लिखे हैं विद्युत आवेशों में के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो बराबर होगा किसके? बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो हम क्या लिख सकते हैं? U = W external, यानी बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य वही क्या होता है? उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि दो आवेशों के कारण उस निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? R। Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिए हम? R। क्या लिखेंगे? माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। अब बताइए बिंदु आवेश Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया? R। हम एक बार निकाल लेंगे बिंदु आवेश Q1 के कारण किस पे आरोपित विद्युत विभव, और ये लिखेंगे यहाँ पे बिंदु आवेश Q1 के कारण इस पॉइंट का नाम देते हैं A और इस पॉइंट का नाम देते हैं B। बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर Q1 के कारण किसके कारण बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव क्या फॉर्मूला होगा? V = 1/4πε0 Q1/R। किसके कारण निकल गया? बिंदु आवेश Q1 के कारण किस बिंदु पर? बिंदु B पर विद्युत विभव। अब हम निकालेंगे इस इंफिनिटी यानी Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बिंदु आवेश Q2 को अनंत से बिंदु
बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू कार्य का फॉर्मूला Q इंटू वी। तो किस आवेश को लाए हैं, Q2 आवेश को, तो क्या हो जाए Q2 इंटू वी। तो W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा Q2 इंटू वी। V का वैल्यू कितना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R। तो W एक्सटर्नल बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, ये W एक्सटर्नल। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया यानी कि बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, और हम क्या लिखे हैं कि यहाँ पे एक चीज की बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य U बराबर होता है किसके, W एक्सटर्नल के, यानी कि बिंदु, दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी R है, इनके बीच यानी स्थिति ऊर्जा कितना होगा U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। तो W एक्सटर्नल का मान कितना है 1 by 4 by epsilon और Q1 Q2 बटा R। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि U is equal to W external का वैल्यू कितना है 1 by 4 by epsilon Q1 Q2 बटा R, यानी कि दो बिंदु आवेशों के कारण किसी निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी U is equal to 1 by 4 by epsilon Q1 Q2 बटा R। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिएगा क्या लिखेंगे, समान प्रकृति, समान प्रकृति के बीच या समान प्रकृति के बिंदु आवेश, समान प्रकृति के बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों, समान प्रकृति के बिंदु बिंदु आवेशों के निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा, संचित स्थिति ऊर्जा धनात्मक धनात्मक तथा विपरीत प्रकृति प्रकृति के बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा, संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा ऊर्जा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, यानी समान प्रकृति का होगा तो धनात्मक और असमान प्रकृति या विपरीत प्रकृति का होगा तो क्या हो जाएगा विद्युत स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब लिखेंगे दो के कारण हो गया तीन, तीन बिंदु आवेशों के कारण, किसके कारण तीन बिंदु आवेशों के कारण निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा। मान लेते हैं ये एक बिंदु Q1 Q2, ये Q1 आवेश Q2 आवेश, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया R1 2। दूसरा मान लेते हैं ये Q3 आवेश, कितना हो गया ये Q3 आवेश, Q1 Q2
Q1, Q2 और ये Q3, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R1, 2, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R, 2, 3, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R, 3, 1. अब इसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो U is equal to formula क्या निकले हैं? U is equal to W external, तो U is equal to क्या लिखेंगे? U, यहाँ से ये, किसके बीच का डिस्टेंस? 1, 2, तो ये 1, 2, प्लस तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, हमें तीन आवेशों का निकालना है, तो तीनों को क्या कर दीजिएगा? ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाए U1 2 U 2 3 प्लस U, और ये हो जाए 3 1, तो U इसी कर तो क्या हो जाएगा? 1 2. अब इसका मान 1/4 pi epsilon naught Q आवेश Q1 Q2 U बराबर फॉर्मूला निकला है U बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R, यहाँ से क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बट्टा R की जगह पे R 1 2 R 1 2 प्लस U2 का मान क्या हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught U 2 3, यानी क्या हो जाएगा? Q1 और आप इसका यहाँ पे Q2 और ये Q3 थे, Q2 into Q3 बट्टा में क्या हो जाएगा? R 2 3. ठीक, अब प्लस तीसरा क्या हो जाएगा? U बराबर 1/4 pi epsilon naught Q. अब देखिए यहाँ पे 3 और 1, ये हो जाएगा Q3 into Q1 बट्टा R 1 3. ठीक, तो U is equal to क्या हो जाएगा? U is equal to, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? 1/4 pi epsilon naught को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? Q1 Q2 बट्टा R 1 2 प्लस Q2 into Q3 बट्टा में R 2 3 प्लस Q3 into Q1 बट्टा में R 1 3, ये बचेगा. तो तीन बिंदु आवेशों के कारण क्या हो जाएगा? तीन बिंदु आवेशों के कारण 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बट्टा R 1 2, Q2 Q3 बट्टा R 2 3, Q3 Q1 बट्टा में R 3 1. चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से. 3 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, यानी चित्र से कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताएं. तो फॉर्मूला हमारे पास तीन विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या निकला है? U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R1 2 Q2 Q3 R2 3 और Q3 into Q1 बटा R1 R3 1. तो सबसे पहले देख लेते हैं आवेश Q1 का मान कितना है. Q1 इसको मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं और ये Q3. तो Q1 का मान कितना है? Q1 is equal to 3 microcoulomb. Q2 is equal to कितना दिया हुआ है? 7 microcoulomb. Q3 is equal to कितना दिया हुआ है? 5 microcoulomb. और इनके बीच यानी R12 का मान 15 centimeter. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, पहले इसको एक साथ यहाँ लिख देते हैं. देखिए यहाँ पे ये क्यू 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, 3 × 10⁻⁶ कूलम. 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10⁻⁶ कूलम. 5 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, 5 × 10⁻⁶ कूलम. अब ये इनका बीच का डिस्टेंस कितना कितना है? 15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर. तो चलिए इसको स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करते हैं. हम सबसे पहले लिख लेंगे U is equal to फॉर्मूला क्या था? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बटा R 1 2 प्लस Q2 into Q3 बटा R कितना हो जाएगा? 2 3 प्लस Q3 into Q4 बाई में कितना हो जाएगा? R 4 1 3 1. तो लिखेंगे U is equal to 1/4 pi epsilon naught का मान 9 × 10⁻⁹. अब सबका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे. Q1 का मान कितना है? 3 microcoulomb, 3 × 10⁻⁶. Q2 का मान कितना है? 7 × 10⁻⁶ कूलम बाय R1. R1 का मान कितना? 15 सेंटीमीटर. R12 का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर.
मीटर में चेंज करेंगे, 15 × 10⁻²⁪ मीटर। R23 का मान कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, 2 × 10⁻²⁪ मीटर। R31 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 × 10⁻²⁪ मीटर। अब यहाँ पे मान पुट कीजिए, 15 सेंटीमीटर क्या आ जाए? 15 × 10⁻²⁪ प्लस Q2 का मान 7 × 10⁻⁶ इंटू Q3 का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁶ बाय R23, इसका मान कितना है? 2 × 10⁻²⁶ प्लस Q3 का मान 5 × 10⁻⁶ इंटू Q1 का मान 3 × 10⁻⁶ बाय ये कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻²। सबको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे U=2 फॉर्मूला क्या है? ये U=2 हो जाएगा 9 × 10⁻³ 7 × 3 = 21 × 10⁻⁶ कितना हो जाएगा? दोनों गुना में है और ये मल्टीप्लाई में पावर पे पावर क्या ऐड हो जाएगा? 10 × 12 प्लस बाय 15 × 10⁻²। Plus 7 5 यानी 35 × 10⁻²⁶ by 2 × 10⁻²⁶ plus 15 × 10⁻²⁶ by 10 × 10⁻²⁶। अब ऐड कर दीजिए U=2 क्या हो जाएगा? U=9 × 10⁻⁹। अब सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये पावर? यहाँ देखिए 10⁻², ऊपर आगे +2, यानी ये क्या बचेगा? 10⁻², ये 10⁻², ऊपर आगे 10⁻², 10⁻², ऊपर आगे 10⁻², ये क्या हो जाएगा? -12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। टोटल इसको कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, ये जो इसको कैलकुलेशन करके आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे।